सीधी माँ नगरी निकाय चुनावन माँ कांग्रेस के अभूतपूर्व विजय हुई गए। 14 वार्डन माँ कांग्रेस के कब्जा हुई गए। अब सीधी के नगरपालिका माँ कांग्रेस के अध्यक्ष बैठी और सीधे तौर पर देखी कि एक तरफा कांग्रेस का जो है जनमत मिला है, या जनमत कहो न कहो या जनादेश के साथ रहा और ये कहर रहा कि या भाजपा के जो व्यवस्था ही उसे जो है कहो न कहो गुस्सा हुई कि ये वोटिंग कीन गई ही, जो उन्हें माँ कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन करे के मौका मिला। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल माँ हम करी तिवारी अपना पंचन का सभा जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी सीधी के नगरी निकाय के रण के या अंतिम पड़ाव के, जहाँ हमारे साथ वार्ड नंबर 3 के जो है पार्षद पहले अपना चुनाव लड़े वाली रही, अपना के साथ कुछ गड़बड़ी है, हालांकि परिवार एक है तो अपना से हम जाने के प्रयास करब कि पहले शुभ नाम बताइए। अपना दीपिका वर्मा। दीपिका जी अपना नहीं लड़न जय का लड़ायन वो जीत गए। जीत गए मेरी देवरानी काजल वर्मा जी। हाँ तो उनको प्रत्याशी के तौर पे पापा जी ने खड़ा किया था तो चुनाव जीत गए। चलिए तो ये जीत जो भय ही एक श्रेय के का दे चाह राहुल भैया कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चलिए तो ये जीत के श्रेय अपना कांग्रेस का दे चाहिए थे। अब ये बताइए कि लड़ाई भाजपा से रही, कौन कौन मुद्दा लेके अपना बच्चे लोगन से मिलर रहे हैं, कहाँ विकास के वादा करे हैं। वार्ड की जो भी समस्या रही है सभी लोग के घर हम लोग गए थे, सभी की समस्या हम लोग ने जानी और उनसे वादा किया था कि अगर पार्षद बन के आते हैं तो उनकी समस्या का समाधान करेंगे। और पापा जी तो जानते ही हैं आप लोग, विनोद वर्मा जी को तो पहले मतलब कांग्रेस पार्टी ही ज्वाइन करे थे, तब से ही लगे हुए थे प्रयास में, तो अब उनकी जीत हुई है बहुत बड़ी, तो बहुत खुशी हो रही है आज के दिन। चलिए तो कुल मिला के अब जो है मौका है अध्यक्षी के, अध्यक्षी सीधी में जो वर्तमान माँ है अबे जो बात कही जा रही तो महिला ओबीसी कही जा लगी, जो उन्हें माँ वार्ड नंबर 3 के प्रबल दावेदार हैं कि अध्यक्ष पद अपना पचन के घरे में पहुंची, मतलब अपना के देवरानी मतलब अपना, तो कुल मिला के अध्यक्ष अपना के घरे माँ और यह तैयारी है पहले से या फिर बनावे के प्रयास कर अब अभी। नहीं तैयारी तो पहले से रही है, अब देखते हैं आगे मतलब क्या होता है। हाई कमान का निर्णय होगा, जो राहुल भैया निर्णय करेंगे वही होगा। चलिए तो कुल मिला के अबे अजय सिंह राहुल भैया के जो है पूर्व नेता प्रतिपक्ष के इंतजार है कि उन निर्णय का लेते हैं, उनके निर्णय के आधार पर जो है ये जीत जो है अब अध्यक्ष बदली। अपना शुभ नाम? हमारा शीला रानी नाम है, शीला रानी साकेत। सबसे वार्ड के रहन अपना, हम 8 नंबर वार्ड के प्रभारी रहन। तो सबसे पहले तो हम मीडिया भाइन का बहुत बहुत धन्यवाद दे चाहिए थे, उनके जरिया से गरीबन के काम कलेक्टर तक पहुंचा। सम्मानित भैया जी के साथ रहा, भैया जी के बहुत बड़ा मान सम्मान की बात रही, हम सब जितना मान सम्मान भैया जी के हम लोग 1% बचा लिए। हाँ बिल्कुल, आगे बचाओ की जनता बचाए जी, आगे बचाओ, बिल्कुल बचाओ, 102% बचाओ, नगर बचे अब उनकर वालों में चुनाव है, बची बिल्कुल 102% बची। चलिए तो कुल मिला के लोग आसान भी थे, ये चुनाव जो है उम्मीदन से भरा रहा, भाजपा अपने का उम्मीद लगाए रही कि हम अध्यक्ष बैठाऊ, कांग्रेस को लगाए रही, हालांकि पाला माँ गेंद कांग्रेस के पहुंच चुकी है और कांग्रेस एक तरफा ऐसा ऐसा सीटन में चुनाव जीती जो उन्हें सीटन माँ लोग कल्पना नहीं करे रहे कि उनकर प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी हारी जाए। वार्ड नंबर 7 चाहे हो चाहे वार्ड नंबर 22 हो, जो खुद स्थानीय विधायक के वार्ड रहा, उनकर जो है भतीजों लड़े रहे, भाइनों लड़े रहे, तो कुल मिला के ये माना जा रहा कि यह चुनाव जो है रिपोर्ट कार्ड हुई सीधी विधानसभा के, सीधी के भाजपा के, वह रिपोर्ट कार्ड अब देखे को मिला जो उन्हें मां जनता सीधे सीधे भाजपा का नकार दिस और यह नकार अब साफ तौर में दिखावत है कि आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव भाजपा खातिर आसान न हुई। अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।